गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल विथ अनदर न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी, होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल भी रख रहे होंगे। तो आज है संडे और सुबह उठने के साथ ही मैं आ गई हूँ किचन में गर्म पानी करने। और आज ना अभी घर में कोई नहीं है, मतलब कि हस्बैंड गए हुए हैं बाहर खेलने और पता नहीं क्यों आज मेरी हाउस हेल्पर भी आने में देर कर रही है। नोटिस कर रही हूँ कि लास्ट संडे से वो लेट से ही आ रही है, मतलब कि 9 से 10 बजे आती है। तो मैं सोची कि चलो उसके आने से पहले थोड़ी बहुत डस्टिंग कर ली जाए। और दिवाली में ही मैं पंखा साफ़ की थी, उसके बाद पंखा मैं साफ़ ही नहीं की। और मैं लास्ट ब्लॉग में आप लोगों से शेयर भी की थी कि 2 पंखा तो मैं साफ़ की थी प्लस 2 रूम का खिड़की साफ़ कर ली थी और 2-3 पंखा रह गया था। तो सोची कि चलो इसे भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। वैसे बहुत ज़्यादा गंदा नहीं रहता है क्योंकि यहाँ उतना पंखा चलता नहीं है। जितना ज़्यादा आप पंखा चलाओगे ना, गंदा उतना ही होता है। और बेंगलोर में थोड़ी सर्दी पड़ती रहती है तो पंखा उतना गंदा नहीं था, लेकिन लगा कि नहीं अब पंखा साफ़ कर ही लिया जाए। और विंडो तो मैं क्लीन कर ली थी पर नेट रह गया था, इसे भी मैं साफ़ कर ली हूँ। तो गाइस, कभी कभी क्या होता है ना कि जब हाउस हेल्पर नहीं आती है या फिर लेट से आती है तो मेरे लिए थोड़ी सहूलियत ही हो जाती है, क्योंकि क्या होता है कि वो लोग समय से आती हैं तो झाड़ू पोछा बर्तन फटाफट से करके चली जाती हैं, तो पंखा क्लीनिंग का काम या फिर विंडोज़ क्लीनिंग काम रह ही जाता है। क्योंकि पंखा साफ़ करते हो, विंडो क्लीन करते हो तो थोड़ा बहुत कचरा गिर ही जाता है नीचे, और लोग झाड़ू पोछा करके चली जाती हैं तो फिर ये सब करते नहीं बनता है। आज संडे है तो मैं बेडशीट तो चेंज करती ही हूँ। और डेली क्लीनिंग रूटीन में आता है कि उठने के साथ ही मैं अपना बेड बनाती हूँ, साथ के साथ मैं पलंग पोछती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताई ना कि 2 से 3 दिन पहले मैं 2 पंखा साफ़ की थी, 2 खिड़की क्लीन की थी। तो ऐसे करके काम डिवाइड करके आप करेंगे ना तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब थकान उतना नहीं होगा, समय से काम आप मैनेज कर पाओगे। क्योंकि हम हाउसवाइफ के पास सिर्फ यही काम नहीं होता है कि घर की साफ़ सफाई, डस्टिंग वेस्टिंग, साथ के साथ खाना पीना भी बनाना होता है। अगर एक साथ सोचेंगे कि पूरा पंखा, पूरा खिड़की, पूरा घर का एक कोना साफ़ कर देना, तो फिर इससे क्या होगा कि दूसरे काम पर इफ़ेक्ट आएगा। और अगर आप एक भी काम ना करो, सिर्फ घर का 3 टाइम खाना बनाओ, सुबह, दोपहर, शाम, तो इसमें भी आप नोटिस करेंगे ना कि एक लंबा समय आपका किचन में ही जा रहा है। तो पूरा एनर्जी डस्टिंग में, साफ़ सफाई में नहीं देना होता है, अपनी एनर्जी स्टोर करने भी होती है ताकि कुकिंग भी हम कर पाएँ। अभी मैं आ गई हूँ स्टडी रूम में डीप क्लीनिंग करने। वैसे तो ये वाला रूम मैं हस्बैंड को बोल के रखी हूँ कि साफ़ सुथरा करते रहें। एक्चुअली वो दिन भर यहीं पर बैठ के अपने ऑफिस का काम करते हैं, तो मेरा कहना होता है कि जहाँ आप दिन भर बैठते हो उसे खुद से क्लीन करिए। टेबल ओबल जो भी है, लैपटॉप, ये सब स्टोरेज जो दे रखा है वो सब अपना खुद से करते रहें। और वो करते भी हैं, लेकिन हर 10 से 15 दिन में मुझे थोड़ा बहुत क्लीनिंग करनी पड़ती है क्योंकि मैं टोटली उन पे नहीं छोड़ सकती हूँ। इस रूम का फ़ैन और खिड़की तो मैं 2 से 3 दिन पहले ही साफ़ कर ली थी। तो फ्रेंड्स, मेरे घर में जो आप कबर्ड देखेंगे ना, वो 2 तरह की फिनिश में देखेंगे, एक ग्लॉसी और एक मैट फिनिश। तो अभी जो आप देख रहे हैं ये ग्लॉसी फिनिश में है, इसमें थोड़ा सा भी हाथ का दाग लग जाता है ना तो दिखने लगता है, जैसे कि डोर को ओपन करने में हल्का सा ही फिंगरप्रिंट लग जाता है तो वो दिखता है। पर एक चीज़ क्या अच्छा है कि थोड़ा सा भी आप क्लीन कर दो तो बहुत ही आसानी से बाहर आ जाती है, लेकिन मैट फिनिश में गंदा दिखता ही नहीं है। और जब गंदा दिखेगा ही नहीं तो आप साफ़ क्या करोगे, तो वो फिर ऐसे ही रह जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैट फिनिश वाला गंदा हो नहीं रहा है, कुछ भी दाग वाग लग गया ना तो निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मुझे ग्लॉसी फिनिश वाला ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि मुझे मेंटेन करने में ज़्यादा सहूलियत फील होती है। और पति देव जी आ गए थे खेल के तो चाय बैठा दी हूँ, और अभी भी मेरी हाउस हेल्पर नहीं आई है। और साथ के साथ ही मैं लंच की तैयारी भी कर रही हूँ। तो यहाँ पे लगभग 4 से 5 चम्मच होगा मूंग की दाल, इसे मैं पहले 2 से 3 बार धोऊंगी, उसके बाद मैं इसे भिगो के रख दूँगी। आप इसे 1 घंटे के लिए भिगो के रख सकते हैं, वैसे ही मूँग दाल बहुत जल्दी फूल भी जाता है। चाय पीने के बाद फिर से मैं लग गई हूँ काम पे और मेरी हाउस हेल्पर भी आ गई है।
तो ये जो मैं क्लीन कर रही हूँ ना, ये मेरे डेली क्लीनिंग रूटीन में आता है गाइस, जैसे कि डाइनिंग, सोफ़ा, पलंग, बेड बनाना, थोड़ी बॉ डस्टिंग करना, ये सब डेली क्लीनिंग रूटीन में है। और आप देखेंगे ना, आप डेली इस तरह से करेंगे तो मुश्किल से 15 से 20 मिनट ही लगता है डेली क्लीनिंग रूटीन में, और घर पूरा अच्छे से ऑर्गेनाइज भी हो जाता है। और जो डीप क्लीनिंग होती है ना, उसमें 3 से 4 घंटा चला जाता है, क्योंकि उसमें हम लोग वो पार्ट टच करते हैं, मतलब कि 10 से 15 दिन में अगर कोई भी चीज़ आप साफ़ करेंगे तो समय तो लगेगा ही है कि नहीं, तो उसमें 3 से 4 घंटा चला जाता है। बाकी जो डेली वाली क्लीनिंग होती है उसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, और आपका घर पूरे दिन के लिए पूरा साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज भी रहता है। और ऐसा नहीं है कि सुबह उठने के साथ ही आपको एकदम शुरू हो जाना है क्लीनिंग करना, क्योंकि सबका अपना अपना रूटीन होता है। किसी किसी का सुबह का शेड्यूल बहुत ही बिजी होता है तो इतनी क्लीनिंग हो नहीं पाती है, तो ऐसे में शाम में भी थोड़ी बहुत क्लीनिंग की जा सकती है। और आप ये देख सकते हैं, पोछा लगने के बाद सब कुछ मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दी थी, साफ़ सुथरा कर दी थी, और ये वाला एरिया मैं साफ़ कर थी ना, ये जो देख रहे हैं ना कैंडल स्टैंड, पता नहीं गलती से मुझसे गिर गया और ये टूट गया। 2 का सेट था तो एक टूट गया, ये मैं दिवाली में ली थी, बड़ा ही प्यारा लग रहा था सेट, तो कांच को तो मैं अच्छे से उठा ली हूँ, और सबसे पहले मैं इसे पेपर में रैप कर दी हूँ, डबल लेयर का पेपर है, और उसके बाद फिर से मैं डबल लेयर के पेपर में इसे रैप कर रही हूँ, ताकि जो भी इसे टच करे ना तो कांच ना लगे, कितना भी आप प्रेस करो तो कांच हाथ तक ना पहुँचे। और इसे मैं बांध दे रही हूँ, मेरे पास सेलो टेप नहीं था उस तरह से, तो मैं इसे बांध दे रही हूँ, और साथ के साथ ही इस पर मैं लिख भी दूँगी, ताकि जो भी इसे देखे तो उसको पता चले कि इसके अंदर है क्या। तो गाइस, जब भी कांच टूटे ना, डायरेक्ट इसे आप डस्टबिन में ना फेंकिए, आप इस तरह से रैप करके ही इसे फेंकिए, क्योंकि डायरेक्ट फेंकने से क्या होगा कि किसी के पैर में लग सकता है, हाथ में लग सकता है, जानवर भी कुछ कुछ खाते पीते रहता है कचरा में घुस के, तो क्या पता मुँह कट जाए, तो इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें। और ये सब करने के बाद मैं नहाने चली गई थी, और आ गई हूँ किचन में अपना लंच बनाने, और मैं बना रही हूँ बोधी आलू की सब्जी। तो फ्रेंड, सब्जी तो वही है, लेकिन मैं कुछ अलग तरीके से बनाऊँगी, मतलब सब्जी सेम है बस तरीका अलग है, और टेस्ट तो मैं क्या बताऊँ, इतनी ज़्यादा अच्छी बनती है यह सब्जी। तो 3 आलू था, उसे मैं गोल गोल काट ली हूँ, आप चाहे तो नॉर्मल भी काट सकते हैं, पर मैं थोड़ा सा तब देखने में अच्छी लगे सब्जी, इसलिए मैं गोल गोल काटी हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि सेम वही सब्जी खा खा के एकदम से बोरियत हो जाती है, बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता है, लेकिन वही सब्जी को थोड़ा ट्विस्ट दे के बनाया जाना तो खाने में बड़ा मज़ा आता है, और सच में ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। तो मैं क्या की हूँ ना कि कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच तेल ले ली थी सरसों का, और इसमें डाल देंगे आलू और बोधी, और 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे भून लेना है। तो हमारे साइड तो बोधी या फिर बरबट्टी कहा जाता है इसे, इधर लोबिया भी लोग कहते हैं। तो साथ के साथ ही मैं प्याज काट ले रही हूँ सब्जी में डालने के लिए। और साथ के साथ ही मैं तैयारी कर ले रही हूँ दूसरी सब्जी की। तो मैं बनाने वाली हूँ स्प्रिंग अनियन और मूंग दाल की सब्जी। ये वाली सब्जी भी ना बहुत ही यमी बनती है, मतलब कि आज की दोनों सब्जी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होती है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ ना कि एक लेयर मैं निकाल दे रही हूँ, जो ऊपर का लेयर होता है ना उसे निकाल लेना होता है। और इधर ये फ्राई हो गया था बोधी और आलू अच्छे से, तो इसे मैं तेल से बाहर निकाल ले रही हूँ, और कढ़ाई में 1 से 2 चम्मच तेल अभी बचा हुआ है, तो 2 से 3 चम्मच तेल मैं और ऐड करूँगी। बहुत ज़्यादा तेल मत डाल दीजिएगा, क्योंकि जो फ्राई की हूँ ना आलू और बोधी, उसमें भी थोड़ा ना बहुत तेल तो लगा ही रहता है। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा जीरा, और साथ के साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 2 लाल मिर्च, हींग ज़रूर डालिएगा। और यहाँ पे मैं कूटा हुआ अदरक और लहसुन ली हूँ, 6 से 7 लहसुन था और 1/2 इंच अदरक था, हल्का सा इसे भूनेंगे, मतलब इसका कच्चापन ख़त्म कर लेना है। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच बेसन। बेसन डालने के बाद लो फ्लेम पे ही इसे कुछ देर के लिए हम भूनेंगे, इतने ही में ना इतनी अच्छी खुशबू आने लगती है ना कि मैं क्या बताऊँ। हस्बैंड तो बोले कि क्या बना रही हो, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, वो किचन में आ गए थे देखने के लिए, उनको लगा कुछ अलग सा मैं कुछ बना रही हूँ, पर बना तो रही थी बोधी आलू की सब्जी। और प्याज डालने के बाद मैं थोड़ा देर के लिए भूनी थी, अभी कुछ मसाले जा रहे हैं, जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, वही जो रेगुलर मसाले होते हैं ना वही हम इसमें डालेंगे। और साथ के साथ ही मैं 4 हरी मिर्च भी डाल दी हूँ 20 से चीरा लगा के, और इसे 2 से 3 मिनट के लिए मैं भून ली थी।
इतना करने के बाद ना इसमें जाएगा एक टमाटर और थोड़ा सा मैं डाल दे रही हूँ नमक ताकि टमाटर हमारा जल्दी से गल जाए। टमाटर जब अच्छे से पक जाएगा ना तो इसमें मैं डालूंगी दही। तो 3 से 4 चम्मच दही था उसे फेंट ली थी और थोड़ा सा पानी भी डाल दी थी उसमें मैं, और लो फ्लेम करके ही इसमें दही डालिएगा ताकि दही ना फटे। और दही बिल्कुल भी खट्टी नहीं थी गाइस। और साथ के साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल दी हूँ। अब ना इसे अच्छे से हम भूनेंगे, मतलब कि इसका जो ऑयल है एकदम बाहर आ जाना चाहिए दही से। सो गाइस आप देख सकते हैं मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है, बिल्कुल ऐसे ही मसाला को भूनना है। अब इसी स्टेज पे हम डाल देंगे फ्राई किया हुआ बूंदी और आलू, करेंगे मिक्स। अब इसे यहीं पे हम डालेंगे एक टमाटर लंबा लंबा काट के, अच्छा लगता है देखने में। जब सब्जी बन के रेडी होगी ना तो टमाटर भी हल्का हल्का बड़ा बड़ा सा दिखता है तो सब्जी देखने में भी अच्छी लगेगी। डाल देंगे पानी, और ये वाली सब्जी ना थोड़ी लटपटी ही बनती है तो बहुत ज़्यादा पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं है। और इसे कवर करके मैं 8 से 10 मिनट के लिए और पकाऊंगी, मतलब कि आलू को अच्छे से सॉफ्ट करने तक हम इसे पकाएंगे। तो कवर कर देते हैं और साथ के साथ चलिए अब दूसरी सब्जी की तैयारी करते हैं। तो स्प्रिंग अनियन को मैं तो छील ली थी, अब मैं इसे काट ले रही हूँ। तो व्हाइट वाला पोर्शन मैं अलग करके अभी मैं बस ग्रीन वाला पार्ट ही काट रही हूँ, मतलब कि व्हाइट अलग काटेंगे और ग्रीन वाला पार्ट अलग से काटेंगे। तो कढ़ाई में 3 से 4 चम्मच मैं तेल ली हूँ, डाली हूँ जीरा, और साथ के साथ ही इसमें मैं डाली हूँ 2 से 3 हरी मिर्च बीच से चीरा लगा के। और जो व्हाइट वाला पार्ट था ना स्प्रिंग अनियन का उसे सबसे पहले डालेंगे और हल्का सा ट्रांसलूसेंट होने तक भूनेंगे। तो गाइज मैं स्प्रिंग अनियन को काट के धोई थी, आप चाहें तो बिना काटे हुए पहले आप धो सकते हैं। और जब हल्का सा भून जाए ना व्हाइट वाला प्याज तब इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, आप चाहें तो फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट भी ले सकते हैं, मैं मार्केट वाला यूज कर रही हूँ। और उसके साथ ही कुछ मसाला जाएगा जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और जीरा पाउडर, बिल्कुल बेसिक मसाला जो होता है वही डालेंगे इसमें। कुछ सेकेंड के लिए भूनेंगे और उसके बाद यहाँ पे चला जाएगा एक छोटे साइज का टमाटर। साथ के साथ मैं नमक डालती रही हूँ, पूरे सब्जी के लिए मैं एक साथ ही नमक डाल रही हूँ। और टमाटर को अच्छे गलने तक पकाएंगे, ये तो सबको पता है कि टमाटर डालने के बाद पहले अच्छे से पकाया जाता है। और साथ के साथ ही मैं ये वाली सब्जी भी चेक करते रह रही हूँ, तो चलाते ज़रूर रहिएगा क्योंकि इसमें मैं बेसन डाली हूँ ना तो नीचे तली से लगने भी लगती है। जब टमाटर अच्छे से गल जाए और ऑयल अच्छे से सेपरेट हो जाए ना मसालों से तभी हम इसमें ऐड करेंगे मूंग की दाल, और इसे सबसे पहले लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। पानी का यूज़ मत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा ड्राई ड्राई लगे ना तब 2 से 3 चम्मच पानी आप डाल सकते हैं। और आप देख सकते हैं हमारी सब्जी बनके बिल्कुल रेडी है और देखने में लग रही है ना एकदम से यम्मी। और यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ धनिया का पत्ता और गरम मसाला, बस इसे करेंगे अच्छे से मिक्स और ये सब्जी बनके रेडी है। बिल्कुल ऐसे ही लटपटी सब्जी बनानी होती है गाइस, देखने में लग रही है ना एकदम से यम्मी। और आज की दोनों सब्जी ना लंच बॉक्स के लिए बिल्कुल सही है, लिक्विडी सब्जी लंच बॉक्स में देने में थोड़ी परेशानी आती है पर इस तरह की सब्जी आप आराम से दे सकते हो हस्बैंड को लंच बॉक्स में। और स्वाद की तो क्या बात की जाए, इतनी ज़्यादा यम्मी बनती है ना, एक बार मेरे कहने से ये रेसिपी आप लोग जरूर ट्राई करके देखिएगा। इधर मूंग दाल को भी भूनते हुए 4 से 5 मिनट हो गया है तो यहीं पे ऐड करेंगे स्प्रिंग अनियन, और पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है गाइस क्योंकि स्प्रिंग अनियन में खुद का अपना पानी होता है, वो खुद अपना पानी रिलीज़ करेगा। तो मिक्स करते करते ही ये कम हो जाएगा, जैसे आप कोई भी साग बनाते हो तो कैसे स्टार्टिंग में ज़्यादा लगता है लेकिन चलाते चलाते काफ़ी कम हो जाता है, वैसे इसका भी हाल है आप देख सकते हैं। बस कवर करके 12 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे लो फ्लेम पर, और साथ के साथ मैं रोटियाँ भी पका ले रही हूँ। इधर ये वाली सब्जी भी बनके हो गई है रेडी, लास्ट में मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, बस इसे करेंगे मिक्स और ये खाने के लिए रेडी है।
तो इससे पहले आप लोग मूंग दाल को पहले चेक ज़रूर कर लीजिएगा कि अच्छे से मैश हो रही है कि नहीं हो रही है। वैसे भी मूंग दाल को पकने में ज़्यादा समय तो लगता है नहीं। तो आज की संडे स्पेशल लंच की थाली हम रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रख रही हूँ बोदी और आलू की सब्ज़ी, सूखी सब्जी, और साथ के साथ ही स्प्रिंग अनियन और मूँग दाल की सब्ज़ी। आज की दोनों सब्ज़ी ने अपने आप में स्टार थी, ट्रस्ट मी गाइज, आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की ब्लॉग की एंडिंग मैं यहीं पे कर रही हूँ। होप कि आप लोग को मेरी ब्लॉग पसंद आई होगी, रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और हाँ फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और नए मज़ेदार ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।